हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हमारा ब्लॉग होने वाला है पीनी का मंदिर। एंड गाइस, वहां पे हम जाएंगे और आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखाएंगे, ठीक है गाइस। और मतलब वहां पे व्यू बहुत अच्छा है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। एंड गाइस चलो, तो गाइस आज हमारे साथ ये फिर से आपको मिस्टर बीन, पिछली वीडियो में आपने देखा ही था, यानी संदीप भाई, और इधर हमारा राहुल भाई, ठीक है। फिर चैनल तो इन्हीं का है, ठीक है गाइस, चैनल तो इन्हीं का है। तो मतलब थोड़ा तो गाइस हम चल पड़े इधर से, ठीक है। इधर आप देख सकते हो एक बार, क्या मतलब कि व्यू एक बार दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे मैं हूँ रोड पे, मेन रोड पे आगे भी चल रहे हैं फटाफट। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं बस स्टैंड, एंड हम यहाँ से बस लेंगे पीनी का की। सो गाइस हम बस स्टैंड में, इधर से एक बार व्यू दिखाता हूँ। हटो संदीप। फाइनली गाइस बस स्टैंड पे बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है गाइस, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। एंड इधर बस अब हमारी पता नहीं किधर लगी हुई है, हम जाके ढूंढते हैं, बस के अंदर बैठ कर फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ओके। तो आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ है। दुकानें लगी हुई है यहाँ पर। बस अभी मतलब यहाँ से निकल, तो गाइस हम बस अड्डे से निकल चुके हैं यहाँ से। अब हमारी बस चलने लग पड़ी है, इसलिए मेन रोड पे आप देख सकते हैं इधर। फाइनली गाइस बस आधे रास्ते में पहुंची हुई है। तो गाइस हम थोड़ा ऊपर पहाड़ों के ऊपर आ चुके हैं, फिर बीच में खाई आ रही है, आपको उसका व्यू दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं पीनी का तो मंदिर के पास, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ का थोड़ा सीन दिखाना था आपको, इसलिए हम थोड़ी बस पीछे रुका ली। तो हम चलो अंदर का सीन दिखाते हैं, ये वाला देख सकते हो आप कितना मतलब बड़ा रख चुके हैं। तो गाइस चलो आगे मंदिर, आगे हम आपको पीनी का मंदिर, मतलब पीनी का मंदिर ये पूरा ही मंदिर है, ठीक है। इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है, आपको सीन दिखाते हैं। फाइनली गाइस हम जा रहे हैं इसके मुंह में, पता नहीं, तो आगे हम चलते हैं। नीचे हमारा मतलब कि यहाँ पे पहले सरोवर था, तो सरोवर तो सूख गया, आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे मूर्तियाँ तो बनी हुई थी। आप इधर नीचे हमारी मतलब मूर्तियाँ है गाइस, ये इधर आप देख सकते हो। और हम इधर आ चुके हैं यहाँ। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं नरसिम्हा भगवान के मूर्ति, मतलब इनके पास, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये हमारे नरसिम्हा भगवान है, इन्हीं का एक मंदिर, अकेला मंदिर, मतलब अकेला मंदिर है यहाँ पर। और नीचे मतलब इधर को सरोवर था हमारा इस साइड को, लेकिन सरोवर सूख गया है। सो गाइस चलो नीचे को चलते हैं।
तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे देख मतलब कितना हरा हरियाली होता है गाइस, हाई भी बहुत ही है नीचे वो। एंड गाइस इधर से आप एक बार व्यू दिखाते हो पीछे कैमरा करके, ठीक है। गाइस हम यहाँ पे मंदिर के गेट पे हैं, तो यहाँ पे लंगर चल रहा है, ठीक है गाइस, और हम भी चल रहे हैं थोड़ा चक्कर पीने। एंड चलो मंदिर पे जाके मिलते हैं। तो गाइस हमने लंगर चल लिया है और मंदिर के अंदर घुसने वाले हैं, पीछे देख सकते हो आप इधर गेट दिख रहा है आपको। तो चलो बाकी मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, आप चेयर पसीना बहुत ज़्यादा है गाइस, आगे हम चलते हैं, ठीक है, मंदिर के अंदर। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पर निकाल लिए नीचे को, आप हमारे सारे फ्रेंड बैठे हुए हैं, फिर आगे चलते हैं। भैया से प्रसाद ले रहे हैं और अंदर चलेंगे हम। देख लो ये यहाँ पर, ये भैया प्रसाद का नाम क्या है, न्याज। क्या न्याज मतलब ये कुछ ऐसा चावल का बनता है ना ये गाइस, चावल का बनता है, तो ये वाला प्रसाद यहाँ पे चढ़ता है। और कुछ तेल दूध। तो फाइनली गाइस हम मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं, ओके, तो चलो एंटर कर लेते हैं हम। जय श्री रानी, जय श्री रानी। सो गाइस इधर से हम चलेंगे, इधर इधर हमारी जगह है, भीड़ बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पर मंदिर के पास है, इधर का व्यू देख सकते हो। तो फाइनली गाइस मैं मटर मटर टेक लेता हूँ। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें। श्रद्धालुओं से ये भी मतलब मंदिर बहुत अच्छा है गाइस, मतलब कि आप यहाँ पे व्यू देखोगे ना, अभी बहुत ही बड़ा मंदिर है गाइस, आगे आगे हम चलते रहते हैं, मतलब हम अभी इसके अंदर है, ठीक है। मंदिर परिसर में सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें और मूर्तियों पर प्रसाद न लगाएं व तेल को नीचे न गिरने दें, क्योंकि मंदिर आपका है और आप मंदिर के हैं। जय श्री रानी, जय श्री रानी, जय श्री रानी। कोरोना के चलते मतलब कुछ ऐसा है, देख सकते हो ऐसे जाएंगे हम, ठीक है। जो ये हमारी दोनों तरफ ये पता नहीं बॉर्डर बना हुआ है इसके, मतलब वो कभी इधर जाना कभी उधर, से ऐसे निकलना है। मंदिर के अंदर एकदम वो सब कुछ पार हो चुका है। एंड गाइस हम यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज्यादा की गई है, गाइस काली माता मंदिर है, और आप देख सकते हो इस साइड को मंदिर का विश्राम गृह है, ये वाला विश्राम गृह इस साइड को।